हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। डाटा एंट्री की जॉब के बारे में आप सबने सुना ही होगा। मुझे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि सर डाटा एंट्री की जॉब के बारे में बताइए, वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, उसमें सिर्फ टाइपिंग वगैरह करके आप पैसा अर्न कर सकते हो मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी, तो उस जॉब के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो आज हम जो है उस जॉब के बारे में जाने हैं कैसे डाटा एंट्री की जॉब की जाती है और कौन कौन उस जॉब को कर सकता है, वो भी हम जानने वाले हैं। साथ ही हम कुछ जाने हैं कि मार्केट में किस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं डाटा एंट्री नाम पर, तो आप कैसे फ्रॉड में ना फंसे और लीजिट जॉब करके जो है पैसे अर्न कर सकते हैं, तो वो भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन इस जॉब को कर सकता है। तो इस जॉब को कोई भी कर सकता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, बस आप जो है जो इंग्लिश में बोल रहे हैं उसे सुने और उसे जो है टाइपिंग कर सके, एक तो इस टाइप का, और वो भी आधा तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा। 90% काम आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा, कुछ काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक तो आपको इस टाइप के पर्सन होने चाहिए, मतलब कि आप अगर 10th और 12th पढ़ चुके हो तो आप ये काम कर सकते हो इजीली। नंबर सेकंड चीज, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हम ये जानने वाले हैं, और प्लेटफॉर्म के अलावा कंपनीज के अंदर आप इस जॉब को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चाहते हैं कि सर फ्रीलांसिंग के अलावा हम जो है जॉब कैसे ले सकते हैं, पूरी फुल टाइम जॉब कैसे ले सकते हैं या पार्ट टाइम जॉब कैसे ले सकते हैं और जॉब कैसे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा, तो वो भी हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं वन बाय वन कैसे आप इस वर्क को करेंगे। तो हम आ गए अपने क्रोम पर। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट टाइप करी है, गो ट्रांसक्रिप्ट। ये एक फ्रीलांसिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप जो है जॉब कर सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको नीचे जाकर आपको जाना है इस वाले सेक्शन पर, वर्क पर, क्योंकि आपको वर्क करना है यहाँ पर। वो जो वेबसाइट थी स्टार्टिंग में वो उन लोगों के लिए थी जिनको वर्क देना है, ये प्लेटफॉर्म को आपको वर्क लेना है प्लेटफॉर्म से। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं आप कितना आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि आपको जो है अप टू 0.60 पर ऑडियो और वीडियो मिनट मिल सकता है, और यहाँ पर एवरेज अर्निंग जो पर मंथ लोग करते हैं वो है $150, और जो टॉप मंथली अर्निंग है वो है $1,215। ये टॉप मंथली अर्निंग है यहाँ की। अगर मैं इसको आपको जो रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपये आप कमाओगे। $150 इन इंडियन रुपी, तो आप जो है 12,413 रुपी कमा सकते हैं इस वेबसाइट से। ये एक एवरेज अमाउंट है, इससे आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ज़्यादा आप जो है इससे 1215 रुपये हाईएस्ट इससे अर्निंग हो सकती है, टॉप मंथली अर्निंग। तो वो भी हम देख लेते हैं वो कितनी होती है। तो आप इसे जो है 1,00,000 रुपये पर मंथ भी कमा सकते हैं, टॉप अर्निंग 1,00,000 पर मंथ तक जो है लोगों की हो चुकी है इससे, तो आप इतना भी इससे कमा सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई अर्निंग की, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे, बाइंग एंड सेलिंग अ गो ट्रांसक्रिप्ट अकाउंट इज इलीगल। इसका इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको जो है अकाउंट बनाने आता है वो, और उनकी जो इंग्लिश अच्छी थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, वो इस टास्क को पास नहीं कर पाते हैं, उनका अकाउंट बन नहीं पाता है, तो क्या करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर लिया है, वो उनको अकाउंट बना कर देते हैं और उनसे पैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग गो ट्रांसक्रिप्ट अकाउंट ये इलीगल है, और लिखा हुआ है कि अब जो है SMS वेरिफिकेशन, फेस फोटो रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी जो है इस काम को कर नहीं सकता है, अब इलीगल काम यहाँ पर करना अलाउड नहीं है अब। तो ये बहुत जेन्युइन वेबसाइट है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, और मैंने काफ़ी बंदों का देखा भी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इजीली वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिएगा, इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है अप्लाई करने की, आप इसकी प्रोसेस कर लेना, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है थोड़ी सी, तो आप इसे प्रोसेस आप खुद कर लेना। अगर आपको नहीं आता है प्रोसेस करना तो फिर आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इससे रिलेटेड कैसे आपको अकाउंट बनाना है। यहाँ पर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, तो इनकी इस वीडियो को देख लीजिए, इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कैसे आपको अकाउंट बनाना है। तो एक वेबसाइट तो ये हो गई है, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट है हमारी स्क्राइबी। स्क्राइबी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है अर्निंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस पर भी आपको नीचे आना है सबसे आखिरी में, और यहाँ पर ऑप्शन आता है फ्रीलांसर्स, इस पर क्लिक करना है। तो ये फ्रीलांसर जो प्लेटफॉर्म खुल चुका है, यहाँ पर भी आप अकाउंट बना लीजिए अपना। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ से भी इस तरह की जॉब ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर इसी तरह की जॉब यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो आपको क्या क्या आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए अच्छे से सुनना, आप अच्छे से चीज़ों को सुन सके और उसे जो है ट्रांसक्राइब कर सके वर्ड्स के अंदर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि आपका कुछ काम तो जो है ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब के थ्रू हो जाएगा, आपको 10-20% आपको खुद ट्रांसक्राइब करने पड़ेंगे वर्ड जो गलत हो गए हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो आधा काम आपका ऑटोमेशन से हो जाएगा, आधा काम आपको खुद को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कितने कमा सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है $5-$20 आप पर ऑडियो को कर पर आवर की कमा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना कमा सकते हैं आप। पर यहाँ पर कुछ लिखी हुई है क्राइटेरिया आपको क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप $800 पर मंथ इससे कमा सकते हैं, और यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है आपको क्या क्या आना चाहिए, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है कन्वर्सेशन अच्छे से सुन सके आप जो है कॉन्टेक्स्ट को दे समझ सके अच्छे से। उसके अलावा आपके पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं, पर पेपाल का अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए हाउ टू क्रिएट ए पेपाल अकाउंट, आपको बहुत सारी वीडियोज वहाँ पर मिल जाएगी, तो उनके थ्रू आप पेपाल अकाउंट बना सकते हैं।
उसके बाद आपके जो है लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, आप मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं। मोबाइल पर आपको जाना है क्रोम पर और डेस्कटॉप साइट पर आ जाना है, कल आप काम कर सकते हैं ये वाला सेम। पर हाँ, लैपटॉप में आप इजी होगा काम करना, मोबाइल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप इनिशियल में स्टार्टिंग कर सकते हैं मोबाइल से भी अपनी। उसके बाद आपके पास हेडफोन या हेडसेट होना चाहिए, आपके पास हेड फ्री होना चाहिए ताकि आप अच्छे से सुन सके वर्ड्स को। तो ये इसका कुछ क्राइटेरिया है। तो ये तो गई कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात, आप जो है इन पर अपने अकाउंट बना लीजिएगा और यहाँ पर भी ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ से आपको काम मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर अच्छे वेबसाइट्स दोनों, यहाँ से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो आपको काम मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ लीजिट वे की, कहाँ से आप जो जॉब मिल सकती है इस तरह की, उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ मार्केट के फ्रॉड्स की। मार्केट में जो है कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं जहाँ पर आपको बोले हैं डाटा एंट्री आपको जॉब मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा पेमेंट उनको पे करना है और आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन आपको पेमेंट नहीं पे करना है, क्योंकि ये फ्रॉड्स होते हैं। यहाँ पर आपसे पेमेंट ले लिया जाएगा और आपको जॉब नहीं दी जाएगी, या फिर आपको पेमेंट ले लिया जाएगा आपको जॉब दी जाएगी, आप जब काम करके उन्हें देंगे उसके बाद बोलेंगे कि आपने काम सही नहीं किया है और आपको पेमेंट नहीं होगा, ऐसा आपको बोल देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी मार्केट से कोई आगे से आपको पेमेंट मांग रहा है किसी जॉब के लिए, तो आप वो जॉब जो पक्का फ्रॉड ही होगी। जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं उनमें आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सिंपली आपको जाना है और आपको अपने अकाउंट्स बनाना है और काम स्टार्ट करना है, वहाँ पर आप पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ जॉब्स के ऊपर कि जॉब्स कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए हम आ गए फर्स्ट में लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पर ऊपर आपको जाना है जॉब सेक्शन पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है डेटा एंट्री जॉब। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत से डाटा एंट्री जॉब मिल जाएगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, ये 70 मिनट पर डली हुई है, ये ऑन साइट जॉब पर। तो आपको देखना है कि कौन सी रिमोट जॉब है कौन सी ऑन साइट जॉब है, ये आपको देखना है पहले और फिर अप्लाई करना है। ये वाले देखिए अमूल के अंदर भी एक जॉब निकली हुई है डाटा एंट्री से रिलेटेड। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी डाटा एंट्री की जरूरत होती है, तो आपको इजीली इसकी डाटा एंट्री की जॉब मिल सकती है अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म तो ये हो गया है लिंक्डइन, यहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिए। और दूसरा प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ मैं, इंटर्नशाला। इंटर्नशाला पर आपको बहुत सारी इंटर्नशिप देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर डाटा एंट्री की इंटर्नशिप भी आपको देखने को मिल जाएगी और भी अच्छी खासी इंटर्नशिप यहाँ पर मिल जाएगी देखने को आपको। सबसे पहले आपको इंटर्नशाला पर आ जाना है। इंटर्नशाला पर आने के बाद आप जो कैटेगरी के अंदर आप डाटा एंट्री लिख लेंगे, तो ये आ गई डाटा एंट्री, इस पर क्लिक कर दिया मैंने और वर्क फ्रॉम होम मैंने क्लिक किया। यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन पर होते हैं ना तो आपको इजीली जॉब अच्छे से मिल जाती है। और तो अगर आप लोकेशन पर किसी लोकेशन पर है तो आप डाल दीजिएगा, पर अगर आप किसी गांव या कस्बे से बिलोंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको डाटा एंट्री जॉब गांव में मिलेगी। तो आप जो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लेना तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा यहाँ से। जैसे डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, ये 5-7 लाख का पैकेज देने के लिए रेडी है, तो इस टाइप से आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पर भी। तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं डाटा एंट्री की जॉब के इस केस में। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ नौकरी.com पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाएगी। मैंने नौकरी.com पर सर्च किया है डाटा एंट्री, तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब अवेलेबल डाटा एंट्री की। तो आप जो डाटा एंट्री की जॉब नौकरी.com पर जाकर सर्च कीजिए। नौकरी.com भी एक वेबसाइट है जहाँ पर जॉब मिलती है आपको, सर्च करिएगा नौकरी.com, वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए डाटा एंट्री जॉब, तो कई सारी डाटा एंट्री की जॉब देखने को मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए वर्क फ्रॉम होम के अंदर भी कितनी जॉब अवेलेबल है, देखिए रिमोट जॉब डाटा एंट्री एसोसिएट, ये देखिए डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव रिमोट जॉब है अभी, पर यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 0 से 3 एक्सपीरियंस कुछ भी चलेगा, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब डाटा एंट्री की अवेलेबल है और अच्छे खासे पैकेजेस अवेलेबल है। तो रेदर देन आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाएं, इसकी बजाय आप जो है फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करें, इन पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना कम से कम आपका जो है एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हो और एक रेज्यूमे बिल्डअप हो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छे से रेज्यूमे बना लेना है। अगर आपको रेज्यूमे बनाना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए हाउ टू क्रिएट अ रेज्यूमे, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे अपना रेज्यूमे बना लीजिए। और सेकंड थिंग, अगर आपका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है तो अपना एक पोर्टफोलियो बना लीजिए अपना आप खुद का एक, उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो बनाई है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मैं ये नहीं जानता कि किस टाइप का पोर्टफोलियो चलेगा इसके अंदर, लेकिन आप जो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि किस टाइप के पोर्टफोलियो चलते हैं इसके अंदर, तो आप सर्च कर लीजिए कि हाउ टू क्रिएट अ डाटा एंट्री पोर्टफोलियो यूट्यूब पर, तो आपको कहीं सारे दूसरे पोर्टफोलियो मिल जाएंगे डाटा एंट्री के ऊपर। तो आप अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छे से अपना रेज्यूमे बनाइए, उसके बाद अप्लाई करिए। आप यहाँ पर भी अप्लाई करिए, लिंक्डइन पर भी अप्लाई करिए, या फिर स्पेसिफिक प्रोफाइल को निकाल कर उनको जो है ईमेल करिए कि मैं डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपके लिए जॉब कर सकता हूँ, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो इस टाइप की काफ़ी जॉब अवेलेबल है और काम काफ़ी सिंपल होता है। आपको जो है ऑडियो वीडियो को ट्रांसक्राइब करना होता है वर्ड्स के अंदर, तो काम जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप अच्छे से काम को सीख लेते हैं, थोड़े दिन काम कर लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर ना, तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज के अंदर मिल सकती है। तो आप जो है इस टाइप के काम कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे डाटा एंट्री की जॉब होती है, कौन कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे आपको क्लाइंट लेना है मैंने आपको बता दिया है, कैसे आप जॉब ले सकते हैं मैंने आपको वो बता दिया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है अपना रेज्यूमे बनाइए, अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए और अच्छे से जॉब लीजिए इनके ऊपर। तो आप जॉब पर ज़्यादा फोकस करिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बजाय। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट से तो आपके लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इस टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए फिर ये जॉब अच्छी होगी। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस टाइप का काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो है इस तरह की मनी मेकिंग और जो है जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, साथ ही फ्रीलांसिंग रिलेटेड की वीडियो भी इस पे चैनल पर डालता हूँ, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।